हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके पीरियड मिस हो रहे हैं बट यूपीटी यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ जाता है या फिर यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद थोड़े दिन में पीरियड्स आ जाते हैं, यानी कि बच्चा लगा तो बच्चा खराब हो गया या फिर बच्चा लगा ही नहीं। पीरियड मिस होने के कई सारे कारण हो सकते हैं और मैं डॉक्टर सुशीला सैनी आज आपको पीरियड मिस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो बताने जा रही हूँ और क्या बच्चा लगा या नहीं लगा वो भी डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स का सवाल होता है कि मैडम बच्चा लगा था लेकिन पीरियड्स आ गए, पीरियड मिस हुआ था लेकिन फिर भी पीरियड्स आ गए। तो पीरियड मिस होने का केवल एक इकलौता कारण प्रेगनेंसी ही नहीं होती है, प्रेगनेंसी के अलावा अंडे दाने के अंदर एक PCOD बीमारी होती है जिसकी वजह से भी महीना नहीं आता, कोई थायराइड हार्मोन की गड़बड़ हो सकती है, कोई और हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, चिंता स्ट्रेस और एंजाइटी भी पीरियड नहीं आने का कारण होता है, या यदि आपने बहुत जल्दी वजन गेन कर लिया है, वेट गेन या वेट पुट ऑन किया है तो भी पीरियड्स में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हार्मोनल डिस्टरबेंस हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर पीरियड मिस होने का कारण प्रेगनेंसी हो, लेकिन जब भी प्रेगनेंसी हो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करना होता है। यदि प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है तो आप डॉक्टर से मेडिसिन लेकर पीरियड्स रेगुलराइज कर सकती हैं, और यदि आपका पीरियड नेगेटिव नहीं है यानी कि पॉजिटिव आया है तो एक खुशखबरी हो सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में तुरंत मेडिसिन लेनी होती है डॉक्टर के पास जाकर, क्योंकि यदि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है या किसी को फोलिक एसिड की कमी हो सकती है या कोई विटामिन या हार्मोन्स की कमी हो सकती है, ऐसी स्थिति में यदि आपने सप्लीमेंट बराबर नहीं लिए हैं तो हो सकता है कि 5-7 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आपके पीरियड्स वापस आ जाएँ यानी कि बच्चा खराब हो जाए, क्योंकि फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि प्रेगनेंसी से पहले हमें शुरू करना होता है, प्रेगनेंसी के दौरान हमें लेना होता है। थायराइड का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि TSH का वैल्यू यदि बढ़ा हुआ है तो बच्चे का लगना बहुत मुश्किल हो जाता है, लगा हुआ बच्चा भी खराब हो जाता है और ये एक पीरियड्स आने का बहुत कॉमन कारण होता है। इसके अलावा यदि आपको और किसी हार्मोन्स की या विटामिन्स की कमी है तो भी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि पीरियड नहीं आया तो भी डॉक्टर से मिल लीजिए, आ गया तो भी डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि अगर जांच और इलाज आप समय पे कराएंगे तो डेफिनेटली आपके हेल्दी प्रेगनेंसी को बढ़ा पाए, यदि जांच और इलाज आप समय पर कराएंगे तो डेफिनेटली आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर पाएंगे जो कि आपका और हमारा दोनों का टारगेट है। यदि आपको भी प्रेगनेंसी होने में तकलीफ आ रही है तो आप अपना मोबाइल नंबर आज ही कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए ताकि हमारे हेल्थ काउंसलर आपसे बात कर सकें।